अरे क्या दिमाग सही है तेरा। देखता नहीं है कहाँ से कौन जा रहा है। इधर आगे वाला ये आपकी मम्मी यहाँ पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट आगे थे पूरे पूरे प्रदेश में यहाँ आप सारी चिकनी मिट्टी से इधर से पानी पास नहीं हो पाया। इसमें एक पूरे अलमोड़ी के लिए है ड्रेनेज सिस्टम के लिए कुछ प्लान बना दीजिए। नहीं तो ये आपदा रोज आएगी और रोज इस तरह की घटनाएं होती है। ड्रेनेज सिस्टम का प्लान बनना बहुत जरूरी है। ये लाइन है संस्थान की लाइन है, इस तरह से बेतहाशे पड़ी हुई है। आपने देखा रास्तों में पड़ी हुई है, नालियों में पड़ी हुई है। अब ये जरूर है सरकार की तरफ से जो भी फौरी तौर पर जो राहत राशि है वो हमने कहा है कि तुरंत सभी लोगों को दे दी जाए और हमारा प्रयास है कि इस समय सभी को ढांढस बंधाना है, इस आपदा की घड़ी में सबको उबारना है। सभी लोग मिलजुल कर इस घड़ी में हम लोग काम करेंगे और सरकार जो है हर आपदा पीड़ित के साथ है और इसके लिए मैं स्वयं सभी जगह पर जा रहा हूँ। हमारे साथ हमारे सांसदगण, मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सारे पार्टी संगठन के लोग, सभी लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लगातार वो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार यहाँ पर काम किया है। 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रखे हैं, वायुसेना के जो लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने पूरे दिन भर का दौरा किया, अपना बीच में ही मीटिंग छोड़ के उन्होंने रात को 1:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं और केंद्र सरकार की एक टीम यहाँ भेजी है आकलन करने के लिए। वो टीम आकलन कर रही है, पिथौरागढ़ जनपद का आकलन कर रही है, उसके बाद अन्य जनपदों का करेगी और जल्दी हम लोगों का ये प्रयास है कि भाई जितना नुकसान हो गया है वो तो हो गया है लेकिन जल्दी से पुनर्निर्माण के काम शुरू हों। जो रास्ते बंद हैं वो रास्ते खुल जाएं, जो पुल टूटे हुए हैं उन पुलों का संपर्क मार्ग बन जाए, बिजली पानी और दूरसंचार जैसी जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं पुनः चालू हों। और मैं स्वयं सभी स्थानों पर जा रहा हूँ और इसकी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सर, मौसम विभाग की दोबारा चेतावनी दी गई है दोबारा, तो सर किस तरह की तैयारी है? देखिए, मौसम विभाग ने पिछली बार भी जो हमको चेतावनी दी थी उसी का परिणाम था कि 16 तारीख को हमें पता लगा कि ये इतनी बड़ी आपदा आने वाली है और उस दिन हमारे यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक थे और समय रहते सारे पर्यटकों को हमने यात्रा रोकने का अनुरोध किया था। सारे जिला प्रशासन को पूरे 13 के 13 जिलों में इस प्रकार के अलर्ट जारी किए थे। उसका यही हुआ कि उसके कारण से जो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था वो टल गया और एक भी यात्री जो बाहर से आए हुए पर्यटक थे
एक को भी कोई कैजुअल्टी नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।